हेलो दोस्तों, आज हम ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा लेक्चर लेंगे। एक्चुअल में कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज़ नथिंग बट अ डिवीजन ऑफ ट्रेड और प्रोडक्शन विच डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू फाइनल कस्टमर। मतलब ये प्रोड्यूसर है, ये कस्टमर है, ये दोनों के बीच में जो भी ट्रेडिंग होता है उसे कॉमर्स कहते हैं। मतलब ये आदमी पैसे दे रहा है रुपीज़, और ये आदमी के पास उसे चाहिए एक फाइनल प्रोडक्ट। कस्टमर इसे पैसे देगा, ये बंदा इससे प्रोडक्ट लेगा। इस ट्रेडिंग को कॉमर्स कहते हैं। दोस्तों, नया ज़माना आ गया है, वो है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फिज़िकली वो आपको चीज़ वहाँ पर दिखती नहीं है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। मानो कोई भी वेबसाइट पर, जैसे स्नैपडील हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, उस पर वो चीज़ आपको लाइव दिखती है। आप प्रैक्टिकली फिज़िकली आप उसे टच या सेंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके फीचर्स अवेलेबल होते हैं और आप वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में उसको ऑर्डर कर देते हो और आपके घर पर वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। कस्टमर अपने बेनिफिट के लिए ही ऑनलाइन प्रोडक्ट चूज़ करता है। उसे लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखने मिलते हैं, और दूसरी बात, उसे सबसे सस्ते दामों में प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, तो कॉमर्स के अंदर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, यानी दो बड़े बड़े बिजनेसेस जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। नॉर्मली ज़्यादा करके आपको मैं बता दूँ, जैसे एक लार्ज मैन्युफैक्चरर है बाइसिकल्स का और एक होलसेलर है जो बाइसिकल्स बेचता है, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो 50, 70, 80 ऐसे बाइक्स एक साथ परचेस कर लेता है। उसे हम B2B बिजनेस कह सकते हैं। यानी एक बड़ी लार्ज इंडस्ट्री एक होलसेलर के साथ काम कर रही है, उसे B2B बिजनेस कहा जा सकता है। B2C किसे कह सकते हैं? मतलब एक साइड में बिजनेसमैन है, एक साइड में कस्टमर है। डायरेक्ट एक इंडस्ट्री से प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है, उसे बिजनेस टू कस्टमर कह सकते हैं। ज़्यादा करके यहाँ पर बीच में के जितने रिटेलर्स होते हैं उनका मार्जिन कट ऑफ होने की वजह से कस्टमर को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, ज़्यादा करके यहाँ पर डिफेंस की डील्स आती हैं। डिफेंस की डील्स ज़्यादा करके ऐसी होती हैं कि बड़े बड़े आर्म्स, इक्विपमेंट्स वगैरह, वो ऑनलाइन उसका एक प्लेटफॉर्म पर सेल रखा जाता है और गवर्नमेंट वहाँ पर बिडिंग करके उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेती है। तो वो एक इंटरनल प्रोसेस के तहत बिजनेस जो गवर्नमेंट के साथ किया जाए, जैसे आप टेंडरिंग भी कह सकते हो कि आपको बहुत बड़े टेंडर्स मिल जाते हैं, जैसे रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स हो या फिर कोई बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, वहाँ पर बिडिंग होती है। बिडिंग का मतलब क्या कि हज़ारों लोग, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट है और हज़ारों लोग उसे अप्लाई करते हैं, कम से कम दामों में उस स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत काम पूरा करके देते हैं। उसे कह सकते हैं आप बिजनेस टू गवर्नमेंट। कस्टमर टू कस्टमर, ज़्यादा करके OLX आपने देखा है, कस्टमर को ही डायरेक्ट कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म दे देना। मतलब जिसकी ओल्ड चीज़ें हैं वो, जो आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, OLX का जो फंडा है कि आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उसे आप अपलोड करो, वो उसी दूसरे बंदे को उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेगा और आप ले लेंगे। जैसे बेसिकली क्विकर है, करता है, या फिर ओल्ड कार्स भी बहुत सारे लोग सेल कर लेते हैं ऑनलाइन। तो ये कस्टमर टू कस्टमर पोर्टल है। गवर्नमेंट टू कस्टमर भी होता है, जैसे बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं इंश्योरेंस के जो गवर्नमेंट ऑनलाइन बेच देती है। कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो भी ऑनलाइन इशू हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर को भी सेल करती है। कुछ ऐसे सोलर इक्विपमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी मिलते हैं, वो कोई होलसेलर को मार्जिन नहीं देना चाहते, रिटेलर को नहीं, डायरेक्टली कस्टमर को सब्सिडाइज चीज़ों में वो देना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट टू कस्टमर में आता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस भी होता है। गवर्नमेंट भी अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाती है जो बल्क में बिजनेसमैन को बेचती हैं, तो वो भी पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं। तो वो ये एक डिफरेंट टाइप्स हैं ई कॉमर्स के जो जो अभी यूज़ किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगली स्लाइड भी जो है तो वो
ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का एक तरीका है। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बना दो जहाँ पर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, राइट, इंटरनेट के ज़रिए से। इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको वर्ल्ड एक्सेस दे देता है। आप चीज़ें कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन पर आप बेच सकते हो। आप कोई नॉर्मल शॉप खोल देंगे तो फिज़िकली आप एक ही जगह पे वो चीज़ बेच पाते हो रीजन पे, नॉर्मली 10-15 किलोमीटर्स के एरिया पे। पर ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वर्ल्ड लेवल पर चीज़ें बेच सकते हो। ई कॉमर्स इज़ नथिंग बट परचेसिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, विच इज़ परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल पेमेंट के गेटवेज भी इतने बढ़िया आ चुके हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो कितना भी बड़ा से बड़ा पेमेंट हो वो ऑनलाइन एक्सेप्ट हो जाता है दोस्तों। तो ई कॉमर्स वर्सेस अगर ई बिज़नेस की अगर हम बात देखें तो ज़्यादा करके ई बिज़नेस एक डिजिटल एनेबल ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसेस विद इन अ फॉर्म इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर कंट्रोल ऑफ फॉर्म। बट ई कॉमर्स इंक्लूड्स कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। ई कॉमर्स ज़्यादा करके ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्रीज के बाहर जाकर जो किया जाता है, जैसे ये ई बिज़नेस नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड लेवल पर किया जाता है, उसके कमर्शियल ट्रांजैक्शन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ वैल्यूज़ भी एक्सचेंज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज के बाहर। तो बेसिकली ये दो डिफरेंस हैं ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के बीच में दोस्तों। तो प्रोसेस क्या है ई कॉमर्स का? सबसे पहले तो ये कस्टमर है जो ऑर्डर प्लेस करता है, ऑनलाइन इंटरनेट पे बैठा है, ऑर्डर प्लेस करता है, उसकी एक शॉपिंग कार्ट बन जाती है। वो ऑनलाइन वीज़ा पेमेंट से या फिर पेटीएम से या फिर ऐसे मास्टर कार्ड से या फिर ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन मर्चेंट अवेलेबल है जिसके ज़रिए से वो ऑर्डर प्रोसेस कर देता है, मतलब बिलिंग कर देता है। ईमेल चले जाता है मर्चेंट को, मर्चेंट उसके वेयर हाउस में से वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो एक शिपिंग के अंदर, मतलब एक ट्रक जो भी कैरियर होगा कुरियर सर्विसेज में वो प्रोडक्ट डाल देता है और वो एंड यूज़र को वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है ई कॉमर्स का, आप इसे बखूबी जानते हो। कंज्यूमर जो है ज़्यादा करके एक वेब ब्राउज़र से कनेक्ट होता है इंटरनेट के ज़रिए से मर्चेंट के वेबसाइट पे। वहाँ पर बहुत सारा कैटलॉग पड़ा होता है जिसमें से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो सिलेक्ट करता है और फिर बाद में वो बिलिंग कर लेता है और एट द एंड टाइम उसे डिलीवरी मिल जाती है। तो बेसिकली ये प्रोसेस के थ्रू एक यूज़र को जाना होता है, राइट। अगर उसे आगे भी कोई दिक्कत आती है तो मर्चेंट के साइट पे उसे रिसिप्ट मिल जाती है और वो ऑनलाइन भी उसकी कंप्लेंट वगैरह फाइल कर सकता है। ऑर्डर ऑटोमेटिकली मर्चेंट को प्लेस हो जाती है और मर्चेंट वहाँ से बिलिंग कर देता है। और B2B कॉमर्स, व्हाट इज़ B2B कॉमर्स, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। आपको अगर ये स्लाइड पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।